नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे अफगानिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य बेस बाग्राम मिलिट्री बेस। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों चीन उस पर निगाहें गड़ाए बैठा है। खबरों की माने तो चीन जल्दी ही अफगानिस्तान के सबसे बड़े सैन्य एयरपोर्ट वाले बाग्राम मिलिट्री बेस पर कब्जा कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, और इस सब होगा तालिबान की सहमति से। इस बेस पर कभी 20 साल तक अमेरिका का कब्जा था और एक वक्त 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक यहां रहा करते थे। काबुल से बाग्राम मिलिट्री बेस करीब 60 किलोमीटर दूर है। अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र संघ में दूत रही निकी हेली का कहना है कि अमेरिका को इस पहल को लेकर चिंता करनी चाहिए। बाग्राम वही मिलिट्री बेस है जिस पर अलकायदा के हमले के बाद यूनाइटेड किंगडम की एक स्पेशल फोर्स की टीम ने चुपके से कब्जा किया था। उस यूनिट का नाम था स्पेशल बोट सर्विस। इसके बाद ही अमेरिका के बड़े बड़े हवाई जहाज अफगानिस्तान में उतरने शुरू हुए थे। यानी लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही थी, लेकिन बाग्राम को अफगानिस्तान में युद्ध का मुख्यालय बनाया गया था। यही 2001 दिसंबर यानी 9/11 के ठीक 2 महीने बाद हिंदुस्तान, रूस और ईरान के स्पेशल प्लेन उतरे थे, जिन्होंने असलाह, बारूद और रसद सब के सब नॉर्दर्न अलायंस को उपलब्ध करवाए थे। वैसे कांधार में भी अमेरिका के सैनिक थे, लेकिन बाग्राम आगे चलकर सबसे बड़ा अमेरिकी बेस बना। इसकी हवाई पट्टी को अमेरिका ने आधा किलोमीटर और बढ़ाया, जिससे उसके C-5 गैलेक्सी और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विशालकाय प्लेन उतर सके। एक वक्त ये इतना बड़ा हो गया था कि यहां सैनिकों के लिए बर्गर किंग की आउटलेट हुआ करती थी। बाग्राम में आतंकवादियों से पूछताछ करने के लिए जेल भी बनाई गई थी। यानी युद्ध के दौरान सबसे पहले तालिबान और अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों को बाग्राम लाया गया था और फिर दुनिया भर के ब्लैक साइट्स भेजा गया था। ब्लैक साइट्स यानी वो जेल जो आधिकारिक तौर पर होती ही नहीं। बाग्राम का नाम सुनकर ही आतंकवादियों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि जो आतंकवादी बाग्राम भेजा जाता था वो कभी भी बेस से बाहर नहीं आता था। एक वक्त ऐसा भी था जब इस सैनिक अड्डे पर 3,000 आतंकवादी पूछताछ के लिए रखे गए थे। बाग्राम बेस ब्लास्ट वॉल से बना हुआ है, यानी धमाका करने से दीवार नहीं गिराई जा सकती। ये इतना बड़ा एयरबेस था कि इसमें 2 हवाई पट्टियां थी और 110 हवाई जहाज एक साथ खड़े किए जा सकते थे। बेस के अंदर 50 लोगों के लिए आधुनिक अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर भी था। बाग्राम को लेकर अमेरिकन इतने भावुक थे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक छोटा सा हिस्सा न्यूयॉर्क की पुलिस अफसर और फायर फाइटर्स ने बाग्राम जाकर वहां की जमीन में गाड़ा था। इस बेस में CIA का भी अपना पूरा इलाका था। यानी अमेरिका का युद्ध अभियान बाग्राम से संचालित होता था। गोली मारने के बाद उसामा बिन लादेन का शव भी बाग्राम लाया गया था, जिसके बाद उसके शरीर को हिंद की खाड़ी में अनजान जगह डुबो दिया गया। इसी हवाई अड्डे पर अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों ने पिछले 20 साल में सैनिकों से चुपचाप मुलाकात की। वैसे बाग्राम एयरपोर्ट का विस्तार सोवियत यूनियन के जमाने में हुआ था। इसकी हवाई पट्टी सोवियत यूनियन ने 1950 के दशक में बनाई थी। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब उसका बेस बाग्राम होता था। यानी चीन का बाग्राम में होना छोटी बात नहीं है। वो केवल एक एयरबेस नहीं है, वहां से चीन पूरे अरेबियन सी में सैनिक कार्रवाई कर सकता है। चीन पहली बार पश्चिम एशिया के इतना करीब होगा। चीन पश्चिम में एक बड़े एयरबेस पर होगा जो दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर होगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।